अच्छा, वो आप यही मिल गए, तो अगर आप मिल ही गए हो तो कहीं चलते हैं अभी। है आज फिर से फ्राइडे सुबह के, नहीं दोपहर के 12 बजे है आज, थोड़ा लेट हो गया। तो लास्ट फ्राइडे था लेजी फ्राइडे, ये फ्राइडे कुछ तो एक्टिव रहेगा, कहीं तो बाहर जाएंगे, कुछ अच्छा करेंगे। बट बाहर जाने के लिए हमको एक चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ को हमको सही करने की ज़रूरत है। तो वो चीज़ क्या है आपको जल्दी बताऊँगा, तो आप बस जुड़े रहिए। हम यू गए और यू गए। मैं आज भूल क्यों जा रहा हूँ तुम्हें बार बार। सो हेलो अगेन, तैयारी झालरिया है और अभी जो चीज़ें चाहिए थी वो ले ली है। और कहाँ जाएंगे मैंने बताया था, बताता हूँ। तो हम जा रहे हैं साइकिलिंग के लिए। यहाँ पे एक साइकिलिंग ट्रैक है, बहुत ही खूबसूरत है, आपको दिखाना चाहूँगा। और वहाँ जाने के लिए मुझे रास्ता नहीं पता है, इसलिए ये लगाया जाए। ऑल सेट। तो जैसे मैंने बताया था कि कुछ चीज़ की ज़रूरत है, चीज़ तो ये है जो खड़ी है, और कुछ चीज़ को सही करने की ज़रूरत है, ये भी बताया था। तो वो जो सही करने की ज़रूरत है वो है, तो इसमें बिल्कुल भी हवा अब नहीं है, और मेरे पास जो होना चाहिए था एयर पंप साइकिल के लिए वो भी नहीं है। तो यहाँ से थोड़ी दूर मुझे जाना पड़ेगा, शायद इसको मुझे पुश करके ही लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि बैठ नहीं सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा एयर प्रेशर कम है इसमें। तो इसको सही करते हैं और वहाँ से आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। एक हाथ में साइकिल को पकड़ा हूँ और एक हाथ में गिर भी सकता था। और यहाँ पे जैसे कि आप सबको पता ही है, लेफ़्ट हैंड ड्राइव है, तो रोड के राइट हैंड साइड की तरफ चलना पड़ता है। तो मैं अभी लेफ्ट हैंड साइड पे हूँ, मुझे उस साइड जाना है। तो उस साइड जाने के लिए मुझे रोड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा। तो अभी तो वहाँ से गाड़ी आ रही है, आधा दिन तो इसी में निकल जाएगा। लेट्स गो, वी हैव गॉटन अ विंडो। हाँ, मिशन अकम्प्लिश्ड। दोस्तों तो अभी और एक रास्ता क्रॉस करना है, ये वाला। और ये रास्ता थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ पे जो ये रोड दिख रहा है, ये हाईवे की एग्जिट है, जो हाईवे से लोग आ रहे हैं, और यहाँ से पीछे से भी लोग उतने ही तेज़ी से वहाँ जा रहे हैं। बचपन में लगता था कि जब मतलब अच्छा था कि पापा हाथ पकड़ के रास्ता क्रॉस करा दिया करते थे, और अभी जब बड़े हो गए हैं तो चाहते तो है कि कोई क्रॉस करा दे, ऐसे नहीं है कि कर नहीं सकते, बट बचपन की यादें तो आ ही जाती है। तब मन करता था कि हाथ छुड़ा के अपने आप ही चल ले, ऐसा लगता था कि हम छोटे थोड़ी ना है, खुद कर सकते हैं रास्ता क्रॉस। बट छोटे तो हम हमेशा ही रहते हैं, बस तब पता नहीं चलता है। तो चलिए रास्ता क्रॉस किया जाए। अभी सामने जैसे कि आप देख सकते हैं, वॉक का सिग्नल है जो हमारे लिए है, पेडेस्ट्रियंस के लिए। अब 16 सेकंड्स तक हम लोग पास हो सकते हैं। अब फिर एक रास्ता क्रॉस करना है, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं वो थोड़ा हाईवे वाला एरिया है, तो रास्ते तो क्रॉस करने ही पड़ते हैं। यहाँ पे सीधा आपको शोर शोर जैसे गलियों में हम लोग इंडिया में गुजर लेते थे, वैसे तो नहीं होता है। तो आइए फिर से एक रास्ता क्रॉस किया जाए। बट रास्ता क्रॉस करने से पहले हर बार ये सिग्नल पेडेस्ट्रियन वाला सिग्नल होता नहीं है, जो यहाँ पे दिखता है ये पेडेस्ट्रियन वाला होता नहीं है, इसको करना पड़ता है। तो अगर यहाँ पे हम लोग ये बटन दबा देंगे तो हम उनको नोटिफाई कर देते हैं कि हमको क्रॉस करना है, तो जब भी रेड सिग्नल हो हमारे लिए वो पेडेस्ट्रियन का मार्क दिखा दे हमारे लिए चलने के लिए। तो अब वेट करते हैं अगले सिग्नल का। तो एयर प्रेशर पंप मिल चुका है, यहाँ पे है पेट्रोल पंप पे। अब इसमें हवा भरते हैं और आगे की जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, 17 रास्ते क्रॉस करने के बाद और 2000 कदम चलने के बाद अब मैं आप पहुंचा हूँ किसी एयर प्रेशर पंप पे। मेरे साथ एक चोट अलग हो गई दोस्तों, कहते ना लालच बहुत बुरी बला है। ये मुझे पता था यहाँ पे फ्री एयर पंप है, रास्ते में मुझे और एक एयर पंप दिखा जो कि नज़दीक था, तो सहज है कि लालच तो आ जाती है, तो मुझे भी आ गई। तो मैं वहाँ रुका तो उसने जितनी हवा भरी नहीं उतनी तो मेरे टायर से निकाल ली। अब मुझे पता नहीं मैंने गलत लगाया या वो कुछ साइकिल का था ही नहीं, बट मैंने लगाया और मेरी हवा सारी चली गई दोस्तों, जो थी वो भी कम हो गई। और उसके बाद अब यहाँ आके रुका हूँ, तो अब जैसे ये कार का हो जाएगा उसके बाद साइकिल कर लेता हूँ, बट ओह थक चुका हूँ।
वंस अ वाइज मैन सेड कि फेलियर इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस, बट मैंने कभी उस वाइज मैन की सुनी ही नहीं, क्योंकि अगर मैं सुनता तो आज एक ही दिन में मैंने दो फेलियर्स की जो स्टेप्स है वो ना चढ़ी होती। सेम मिस्टेक कर दी मैंने, फिर से एक पेट्रोल पंप पे गया, वो भी इस साइकिल का पंप अवेलेबल नहीं था, बट वो मोर और लेस सेम ही लग रहा था, मैंने लगाई तो और ही हवा चली गई। अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब तो ऐसा लग रहा है मुझे साइकिल उठा के जानी पड़ेगी। तो आप जैसे देख सकते हैं बस अब चलते जा रहा हूँ। उसने बोला आगे कहीं बाइक का एयर पंप है, तो अगर वो मिल जाता है तो वो सही है, वरना व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मुझे तो घर जाके सोना है अभी। तो लेट्स सी हमें मिल पाएगा एयर पंप या नेवन। हवा तो अब तक नहीं भरी है, बट हालत अभी से देखो क्या हो गई है। बचपन से ही क्लम्सी ऐस रहा हूँ, एक चीज़ें करने जाता हूँ दो बिगाड़ के रख देता हूँ। तो अभी हवा तो भरी नहीं, ऊपर से ये जो हुडी पहना था ये ख़राब कर दिया और हाथ अलग से मेले कर लिए। गेस करो मैं अभी कहाँ हूँ। तो जहाँ से जिस दूसरे पेट्रोल पंप पे मैं गया था, उस आदमी ने मुझे कहा था कि आगे जाके एक बाइक का एयर पंप है, सो यू जस्ट हैव टू कीप वॉकिंग एंड यू जस्ट कांट मिस इट। तो मैंने बहुत सोचा दोस्तों, बट मुझे सफलता की तीसरी सीढ़ी भी आज ही चढ़नी थी तो मैंने मिस कर दिया, वो नहीं मिला मुझे पंप रास्ते में कहीं पे। तो अब मैं मॉल में आया हूँ और यहाँ से खरीद ही लूँगा पंप, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हर बार व्लॉग बनाते वक्त अगर इतना घूमूंगा चलूँगा, पिछले 2 घंटे से चल रहा हूँ, कोई निशान तक नहीं दिखा मुझे एयर पंप का बाइक के। तो अब सोचा है फाइनली कि खरीद लूँ, खरीदना था ये, बट सोचा था आज के लिए अगर टेम्प्रेरी काम हो जाता तो फिर कभी खरीद लेता, बट हाँ आज ही खरीदना पड़ गया। अभी खरीदा नहीं है, जा रहा हूँ, साइकिल पार्क किया यहाँ पर, तो बस ये वीडियो रिकॉर्ड करके निकल ही रहा हूँ। पीछे ये मॉल है सिटी सेंटर, वही जाना है अभी, तो पंप के साथ मिलता हूँ तुरंत। एयर पंप ढूंढा जाए, एयर पंप छोड़ के अभी मुझे सब दिख रहा है, कुछ तो दिखाया अभी, लेट्स सी। यही तो कहीं पे होना चाहिए, बस चेक इट आउट। आई गेस यही है, मिल तो गया है, बड़ा कौन सा लेना है क्या लेना है मुझे नहीं पता है, देखते हैं थोड़ा सर्च करते हैं फिर कुछ ले ही लेते हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे, फर्स्ट वाला ये है द ऑरेंज वन विच इज़ $20, सेकेंड ये है जिसमें एयर प्रेशर दिखता भी है विच इज़ आई थिंक 29 or 25 समथिंग, और फिर एक ये है जो मुझे पता ही नहीं क्या है, तो आई विल गो फॉर द चीपर वन विच इज़ $20। कलर ऑरेंज है बट ले लेता हूँ अभी, तो हो चुका है, फ्यूचर में कभी ना कभी काम तो आने ही वाला था, आज ही आ जाएगा। तो मैंने स्टोर का नाम नहीं बताया, टारगेट में आया हूँ मैं, टारगेट यहाँ का एक रिलायंस मार्ट जैसा रिटेल स्टोर है, वहाँ पे चीज़ें हम लोग ले सकते हैं, सारी चीज़ें मिलती है, तो मैंने जो चाहिए थी वही ली है, बाकी अब आगे देखा जाएगा। चलिए हवा भरता है साइकिल में तुरंत, सेल्फ चेकआउट कर लेते हैं क्योंकि काउंटर पर काफ़ी ज़्यादा रश है। तो यहाँ पर सेल्फ चेकआउट में एक मशीन होता है कियोस्क जो कि ये है, इसमें बस अपनी चीज़ें स्कैन करो और पेमेंट कर दो, ऐसा करना होता है। अपनी चीज़ें अभी हम लोग स्कैन कर लेते हैं जो कि यहाँ है, लेट्स सी। अच्छा तो है, हाउ डू वी स्कैन इट, वैसे स्कैनर स्कैन कर लिया है, प्राइस आ चुकी है, अब पेमेंट में करके फिर से वीडियो ऑन करता हूँ। तो हो चुका है एयर पंप लेके, मॉल से बाहर निकल ही रहा है अभी, एयर पंप ये रहा और एग्जिट मेरी है। बाहर निकल चुका है, साइकिल को वहाँ पार्क किया था, अगर देख सकते हो तो कोने में अपनी खड़ी है एक साइकिल, वो अपनी ही है, लॉक करके जाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे कभी भी कुछ भी उठ सकता है। तो चलो साइकिल को मच नीडेड ऑक्सीजन अभी दिया जाए।
wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt, baby. So, 2 hours ke baad, gadha mehnat, jo bhi mehnat, sari mehnat karne ke baad, ab jaake cycle ready hui hai. जो काम सुबह 12 बजे स्टार्ट होने वाला था वो हो रहा है 3 बजे. तो 3 बजे तक बस साइकिल में हवा ही भर रहा था. तो ब्लॉग कहीं जाने का था या साइकिल में हवा भरने का ये पता नहीं चला, बट अब हो गया है सब कुछ. तो अभी हमारे लोकेशन के लिए निकलते हैं जहाँ हमको जाना है. अभी हम लोग डाउन टाउन में चल चल के यहाँ तक आ गए थे. अब यहाँ से नॉन स्टॉप साइकिल पर हमको जहाँ जाना है मैं आपको लेके चलूँ, ठीक है? Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you can never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. Guys, we are hungry. बहुत समय इसी में निकल गया है चलाते चलाते साइकिल और चलते चलते हम. तो कुछ खाया जाए अभी. तो यहाँ पे एक फेवरेट जगह है मेरी, वन ऑफ द फेवरेट्स, नॉट फेवरेट. तो आई विल जस्ट शो इट टू यू, आई होप यू कैन सी इट. तो ये इंडिया में भी है बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो मुझे पसंद है. और मुझे ये भी पता है जब ये वीडियो मेरे दोस्त देखेंगे तो मुझे वो कौन सी गाली देंगे. अमेरिका का दलाल 95. थैंक यू दोस्तों. बड़ा ही लंबा हाईवे तय करके अभी तक यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग. किसी विलेज में हम लोग पहुँच चुके हैं और ये यहाँ का व्यू है, पूरा हाईवे का इंटरसेक्शन. और ये रोड है जहाँ पे गाड़ियाँ जा रही है सारी. पेट्रोल पंप भी है और सामने देयर इज अ स्टोर कॉल्ड कोको फार्म्स. डिस्टेंस भी देखेंगे कितना हमने ट्रैवल किया है अभी तक. तो इफ़ यू रिमेंबर स्टार्टिंग में हमने 103 माइल्स देखा था. तो 9 माइल्स है, तो 6 माइल्स अब तक हम लोग चल चुके हैं. तो कुछ 8 किलोमीटर के आसपास अभी तक हम लोग ड्राइव करके आ चुके हैं. तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था विलेज ऑफ टैरी टाउन, ये है वो हमारा लोकेशन जो है वो आने वाला है. तो स्टे ट्यून्ड, मैं भी वहाँ पे पहुँच ही रहा हूँ. यहाँ पे बहुत ही एक ब्यूटीफुल व्यू है, लेट्स जस्ट एक्सप्लोर इट आउट. मैं साइकिल से ही ले चलता हूँ. सामने आपको एक रिवर दिख रही होगी. सो वी आर गोइंग नियर इट राइट नाउ. आई होप यू कैन सी इट क्लियरली. आई एम ऑल्सो राइडिंग एट द सेम टाइम गाइस, सो थोड़ा क्लैरिटी कुड बी हियर एंड देयर, सो डोंट माइंड. बट जितना ही हम लोग उसके पास पहुँच रहे हैं, इट्स सीमिंग रियली रियली ब्यूटिफुल. ओके, सो यहाँ के कुत्ते कोई डिफरेंट नहीं है. ये भी मुझे भोंक रहे हैं, इंडिया के भी भोंक रहे हैं. कुछ अलग तो कर नहीं दिया यहाँ आकर. बट आई होप यू कैन सी द नेबरहुड गाइस. एंड फाइनली डेड एंड आ चुका है. सो फाइनली वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं जहाँ हमको आना था. और उस जगह का नाम है 10 रिवर वॉक. रिवर वॉक इसका नाम है क्योंकि इट इज़ अलॉन्ग साइड द रिवर. तो एक बहुत ही सुंदर सा लंबा सा ट्रेल है, ब्यूटीफुल ट्रेल. और विल वॉक अलॉन्ग साइड द रिवर. और मेन बात तो यह है कि रिवर के इस साइड ट्रेन स्टेशन, आई मीन ट्रेन ट्रैक्स भी है. तो ट्रेन रिवर, और यू कैन सी द ट्रेन इज गोइंग राइट नाउ. ट्रेन तो दिखेगी नहीं बट आवाज़ ज़रूर आएगा ट्रेन का. तो हम हमको ट्रेन भी दिखाएंगे आगे जाके. और इट्स अ ब्यूटीफुल ट्रेल बट आई एम नॉट वेरी श्योर हम लोग ये आज कंप्लीट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये बहुत बड़ा ट्रेल है. इट टेक्स अराउंड 2 आवर्स और सो टू यू नो गो पास्ट इट. तो ऐसा हो सकता है कि मुझे आधा व्लॉग आपको कल दिखाना पड़े. तो इट विल हैव टू बी डिवाइडेड इन 2 halves. तो होपफुली मैं ये आज कवर करके इसका सेकेंड पार्ट बना के अपलोड कर पाऊँ. तो स्टे ट्यून्ड. बट आई एम राइट नाउ आई एम गोइंग इनसाइड टू जस्ट यू नो जस्ट टू कवर इट एंड हैव अ लिटिल वॉक इनसाइड इट. थैंक यू. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'm tied up my chest. I'll